चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तहलका मचा के रख दिया है। दरअसल पवन सिंह भारत के प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी में शामिल होकर एक नया इतिहास रच दिया है। जी हां, पवन सिंह अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पवन सिंह पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के रैली के लिए अपना जोरदार कार्यक्रम लोगों के बीच प्रस्तुत कर चुके हैं। यूपी चुनाव में भी पवन सिंह ने योगी नाथ के रैली में अपनी दमदार आवाज से भोजपुरी दर्शकों को लुभाने की कोशिश की है और भोजपुरिया लोगों को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बोल चुके थे। हालांकि पवन सिंह की बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें काफी दिनों से पहले से ही चर्चा में थी। दरअसल राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा ने कुछ दिन पहले ही फेसबुक पर पवन सिंह की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें लिखा था पवन सिंह जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। आखिरकार वह बात आज सच हो गई और पवन सिंह ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। इस पर दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी पवन सिंह को बीजेपी ज्वाइन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है और देश के खिलाफ भ्रष्टाचार के जंग में पवन सिंह को आगे आने को कहा है। पवन सिंह हमेशा मोदी जी की स्वच्छ भारत अभियान की भी तारीफ करते नजर आते हैं, इसीलिए पवन सिंह ने खुद कई बार फिल्मी सेट पर स्वच्छ भारत अभियान के मिशन के तहत फिल्म के सेट को साफ सफाई करते हुए नजर आते रहते हैं।